पर अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है लखनऊ से, जहां महाकुंभ 2025 को लेकर परिवहन विभाग तैयार है। महाकुंभ 2025 में 7000 बसें रोडवेज चलाएगा। श्रद्धालुओं को संगम तक लाने और घर वापस ले जाएंगे। ये बसें प्रदेश के 112 डिपो से मंगाई जाएंगी। इसमें 1000 नई रोडवेज बसें भी शामिल है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये बसें प्रदेश के 112 डिपो से मंगाई जाएंगी, इसमें से 1000 नई रोडवेज बसें भी शामिल हैं और बसों से लगभग 3.5 करोड़ यात्रियों के यात्रा का अनुमान है। महाकुंभ में अच्छी व नई बसों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रदेश के सभी 75 जिलों से प्रयागराज के लिए बस मिलेंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर परिवहन विभाग तैयार। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बसों से लगभग 3.5 करोड़ यात्रियों की यात्रा का अनुमान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, महाकुंभ को लेकर तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि 1000 नई रोडवेज बसें इसमें शामिल की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की तैयारी, संदीप की आवाज नहीं मिल पा रही है। चर्चा चल रही है कि इस बार नई बसों का संचालन किया जाएगा और पूरे 75 बोलिए संदीप, आवाज आ रही है अब आपके। तो इस तरीके से परिवहन विभाग इस बार अपनी तैयारियां जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि कुछ 172 के आसपास जो है वो जहां से वो उनके बस स्टॉप है वहां से बसों को बुलाया जाएगा और उसके बाद से इन बसों का संचालन जो है वो कराया जाएगा। यानी कि इसमें 1000 से अधिक जो है नई बसों को शामिल किया जाएगा। जो 75 जनपदों से हो करते हुए वो बसें गुजरेंगी, यानी कि कुंभ की जो देखने के लिए जो कुंभ की जो भीड़ होती है वहां पर यात्रियों को ढोने के लिए इन बसों का संचालन जो है वो किया जाएगा। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर के परिवहन विभाग लगातार जो है तैयारियां कर रहा है और कुंभ 2025 को लेकर के जो महाकुंभ की जो तैयारी है उसको लेकर के सरकार भी सख्त है और वहां की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहा है। इसके साथ ही साथ में जो बसों का संचालन होगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब कुंभ आता है। तो ऐसे में परिवहन विभाग अपनी तैयारी जो है वो पहले से करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पूरी तैयारी जो है वो परिवहन विभाग की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। नई बसें चलाई जाएंगी ताकि जो लोग महाकुंभ का रुख करेंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अच्छी बात, नई बसों को उसमें प्राथमिकता दिए जाने की बात सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।